बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका हमने खुद ट्रायल बैलेंस बनाया था, उनमें से एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसकी हमने जनरल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम उसी क्वेश्चन को फाइनलाइज करने जा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस को कंसिडर करते हैं बतौर क्वेश्चन, जैसे पेपर में क्वेश्चन दिया होता है ट्रायल बैलेंस की शक्ल में, और फिर हमें उसको फाइनलाइज करना होता है, उसकी बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो सबसे पहले हमने कहा जनाब कि जब भी आपको बनानी हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस को पहले एनालाइज कर लेना है। ट्रायल बैलेंस में से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अलग कर देना है और उनको प्लेस कर देना है कि स्टेटमेंट के अंदर इसका नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ताकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में आपके सामने आ जाए। और फिर आपको बना देनी है अकाउंटिंग इक्वेशन और एसेट्स को बराबर ले आना है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में। तो एसेट्स के जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वैसे के वैसे लिख दें आप। इक्विटी का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जो दिया है उसमें चेंज आ रहा है, और वो चेंज आने की वजह एक प्रॉफिट है, दूसरा ड्रॉइंग्स होंगी, उन दोनों का इफेक्ट लें, इक्विटी का आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा और जो लाइबिलिटी सारी की सारी ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है उनको प्लेस कर दें। इस तरह आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। तो इन बातों को दिमाग में रखें कि यार हम कोई नया काम नहीं कर रहे, प्लीज इन तमाम बातों को जहन में रखें, ठीक है। और फॉर्मेट भी देखें हमारे साथ साथ ना। तो बताइएगा पहले एनालाइज बनवा दें, कैश बाय नेचर क्या है, एसेट है। व्हीकल क्या है, एसेट है लेकिन नॉन करंट भी है ना। कंप्यूटर बाय नेचर क्या है, एसेट है लेकिन आप सब जानते हैं नॉन करंट भी है। उसके बाद कैपिटल बाय नेचर क्या है, इक्विटी है। बैंक बाय नेचर क्या है, एसेट है लेकिन करंट एसेट है। इन्वेंट्री बाय नेचर क्या है, एसेट है लेकिन कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, एक्सपेंस है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट है और कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस। उसामा लायबिलिटी करेक्ट कह रहे हैं, मैं अकाउंट रिसीवेबल रीड किया मैंने उसको, आप करेक्ट कह रहे हैं, अकाउंट पेएबल मेंशन, उसामा लायबिलिटी सही कह रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है और अदर इनकम में रिकॉर्ड करेंगे इसको। कादर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है। ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू का अपोजिट है। ड्रॉइंग्स जो है वो कॉन्ट्रा इक्विटी है, कॉन्ट्रा कैपिटल। सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है जी। तो ये सारा एनालाइज बन गया टेलीफोन एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में से सिर्फ दो चीजें पिक करनी होती है बेटा, और वो दो चीजें क्या हैं जल्दी से बता दें आप सब लोग। उन दो चीजों की जो स्टेटमेंट बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में से दो चीजें पिक करनी है और दोनों एक दूसरे की मुखालिफ है, अपोजिट है। यस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस से दो हेड्स पिक करने हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट। दो हेड्स ऑफ अकाउंट से बिलोंग करने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं वो हमने पिक करने हैं और उनको प्लेस कर देना है एक स्टेटमेंट के अंदर, जिस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। ये सारे नेम्स हैं, ये सारे आप याद रखें नाम, लेकिन एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को बेटा।
क्या लिखा? मिस्टर काशिफ, क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्री हेंसेफ इनकम। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको? एसओसीआई। ठीक है, फॉर द, अब प्रैक्टिकली यहां पे क्या आता है? ईयर आता है, फॉर द ईयर एंडेड, 12 महीने एंड होते हैं। ठीक है, रुपीज। अब बताइए सेल्स, सबसे पहले बताइए सेल्स की वैल्यू कितनी है? सेल्स की वैल्यू बताइए सब लोग बेटा, ट्रायल बैलेंस से सेल्स की वैल्यू देख के बताइए आप सब। वो सेल्स की वैल्यू आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, 1,11,600। सर ब्रैकेट में क्यों लिखें? इसलिए कि बेटा ये ग्रॉस सेल्स है, इसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न भी है। तो सेल्स रिटर्न कितनी है सब बताइए, सेल्स रिटर्न कितनी है? तो सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए, कितना बचा बैलेंस? बैलेंस क्या बचा? एक लाख आठ हजार छह सौ। अच्छा अब ये क्या है जरा समझिएगा, देखें ट्रायल बैलेंस ये बता रहा है कि आपने ओवरऑल 1,11,600 की गुड्स बेची, तो आपका रेवेन्यू 1,11,600 से इंक्रीज हुआ, जिसमें से 3,000 की गुड्स आपके पास वापस आ गई, तो लिहाजा आपके रेवेन्यू में डिक्रीज आ गया 3,000 से। तो ओवरऑल जो आपका अब नेट रेवेन्यू है, जो असल आपका रेवेन्यू है वो कितना है? 1,08,600। तो आपने जो गुड्स बेची हैं उनकी जो मालियत है वो 1,08,600 है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी मैंने आपको वर्बली बताया था कि बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो सेल्स लिखनी है वो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद लिखनी है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को पिक नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे ख्याल से आप देखें ये काम ब्रैकेट में हो जाएगा ना। ब्रैकेट में ग्रॉस सेल लिखी, उसमें से सेल रिटर्न माइनस किया, और एसोसिएट में डायरेक्ट क्या लिख दिया? नेट सेल लिख। तो ये ब्रैकेट में हमने क्या किया, एक वर्किंग कर ली हम, समझ? ठीक है, अब नेट सेल्स आ गई, गुड जबरदस्त। अब नेट सेल्स आ गई तो क्या करें आप, उसमें से लेस करवा दें क्या इस सेल को हासिल करने की प्राइमरी कॉस्ट? जवाब दें, क्या है प्राइमरी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी बेटा? 79,700। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? जीपी। तो जीपी कितना आया आपके पास? 28,900। जीपी के बाद आपको एक बात सोचनी है, हमेशा अपने आप से एक सवाल करना है, क्या कोई अदर इनकम हमारे पास है? क्या किसी और तरीके से हमारे बिजनेस को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है? यस, तो बताइए कोई अदर इनकम है?
जैसे कोई रेंट इनकम हो तो रेंट इनकम हो तो उसको जीपी के बाद ऐड कर दें, कोई डिस्काउंट हो डिस्काउंट रिसीव उसको जीपी के बाद ऐड कर दें, है अदर इनकम है यस डिस्काउंट रिसीव है, तो आप जीपी के बाद क्या करें ऐड करें। क्या ऐड करें? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, कितना? और ये ऐड करने के बाद इसका आप टोटल करवा दें, ठीक है? तो अब ये बैलेंस कितना जाएगा? अब आप क्या करें, इसमें से लेस करवाएं एक्सपेंसेस, ठीक है? एक्सपेंसेस बताइए, एक्सपेंसेस आप देखिए, एक्सपेंसेस आपको कहां से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से मिलेंगे, क्रेडिट साइड पे मिलेंगे? एक्सपेंसेस आपको कहां से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से मिलेंगे, क्रेडिट साइड से मिलेंगे? अब होता क्या, एग्जाम के अंदर बच्चा पूरा क्वेश्चन देख रहा है, एक्सपेंस ढूंढ रहा है, और कमाल बात यह कि एक्सपेंस ढूंढते वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड को भी देख रहा है। तो ये लॉजिकली थोड़ा सोचिए पेपर के अंदर कि हमें टाइम किस तरह सेव करना है। एक्सपेंसेस ऑब्वियसली सारे कहाँ होंगे? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। और अगर हम ऊपर से पढ़ते हुए आए जरा इसको, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हमें अभी तो क्या करना है, अच्छी तरह ध्यान से चीजें सीखनी है। तो कैश है, कैश तो एक्सपेंस नहीं है, व्हीकल भी एक्सपेंस नहीं है, कंप्यूटर भी एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल, बैंक, इन्वेंट्री, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है जिसको हम कंसिडर कर चुके हैं। उसामा, उसके बाद पहला एक्सपेंस दिख रहा है मुझे किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। जवाब दे, ट्रायल बैलेंस ना तरतीब से देखने ताकि आपसे कोई चीज ओमिट ना हो जाए, बाज दफा गलती होती है ओमिशन की वजह से, बाकी कुछ क्वेश्चन आपने ठीक किया होता है, और जितना क्वेश्चन आपने ठीक किया होगा बेटा उतने मार्क्स मिल भी जाएंगे आपको एग्जाम में। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 800। उसके बाद डिस्काउंट सिर्फ तो इनकम हो गया, कादर ट्रेडर्स रिसीवेबल हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस, कितना बेटा? $2,300। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेल डन तो हो गया, सैलरी एक्सपेंस, कितना सैलरी एक्सपेंस?
12,500। उसके बाद क्या है? टेलीफोन। एक्सपेंस कितना? 1,600। ठीक है जी, टोटल कर दें आप एक्सपेंसेस का। ठीक है, कितना टोटल आ गया बेटा? 17,200। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? ₹12,400। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हो रही लिखने में, थोड़ा सा हैवी हो जाता है ज़्यादा पेजेस पे डेटा आने की। वैसे मैं अगले पेज पे जाता हूँ और मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप एस एस पी 12,400 प्रॉफिट आप याद रखिएगा, और मुझे आप एस एस पी बनवाइएगा ज़रा सब लोग, इस पेज के जो ट्रायल बैलेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, पेज जब लोड हो जाता हैवी तो फिर वो लिखने में टाइम दे रहा है। ओके जनाब, तो अब क्या करें बेटा? मिस्टर काशिफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन
ठीक है जी, एसेट्स ख्याल रखें, जिस लाइन में आप एसेट लिखें उसी लाइन में आप ये और एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स बताएंगे, नॉन करंट में कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। क्लब बिल को हमने ड्रॉइंग ट्रीट किया ना, अभी आपको आपके पास क्लब बिल क्या है, ट्रायल बैलेंस में क्लब बिल के नाम से मौजूद है या ड्रॉइंग के नाम से मौजूद है। आप मुझे बताइए, आप जो है ये एसओएफपी बना रही हैं या एसओसीए बना रही हैं, ट्रायल बैलेंस देख के बना रही हैं, ट्रांजेक्शन देख के बना रही हैं। तो क्लब बिल जो है वो आपके पास किस नाम से मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, ये बताइए खाली मुझे आप। क्या क्या एसओसीए में पर्सनल एक्सपेंसेस भी आएंगे या सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस ही आएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, व्हीकल है, गुड, जबरदस्त। व्हीकल कितने का, 1.5 लाख रुपए का। और कंप्यूटर कितने का, 1.5 लाख। तो जो पीछे ट्रायल बैलेंस में हमने जितने भी एसेट्स देखे उनको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो क्या हमारे पास ये दो ही चीजें थी नॉन करंट एसेट्स में, इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट था हमारे पास, जवाब दे बेटा, क्या इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट था हमारे पास। रिस्पॉन्स करें बेटा, टोटल कितना हो गया इन दोनों का, 175,000। उसके बाद लगाएं हेडिंग किसकी, करंट एसेट्स की। और करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगी। अब मैं जिस तरह बोलते ना उस तरह मुझे बता दे, इन्वेंट्री जो कि अनसोल्ड है, इसको बोलेंगे अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब तक बिकी नहीं है, अभी तक बिकी नहीं है, बिकना बाकी है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। 62,800, ठीक है जी। उसके इन्वेंट्री के बाद अकाउंट रिसीवेबल बताइए, कितने से, 32,000 से। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस 55,950 से। और उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना, 158,900 से, ठीक है जी। सम कर दीजिए बेटा इनका, बॉक्स का सम बता रहे हैं, बॉक्स का मतलब क्या है, सब टोटल 309,650। इस सम को किस में ऐड कर देंगे आप, टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट मिल जाएंगे करंट और नॉन करंट मिलाकर, तो नॉन करंट कितने हैं, 175, और करंट कितने हैं, 309,650। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 484,000।
650, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो क्या है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी के सेक्शन आ गया। बताइए सब लोग बेटा, कैपिटल, कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कितना लिखा हुआ है, देख के बता देंगे सब लोग। 4,50,000। इस इक्विटी में ग्रोथ कितने से आ रही है, नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया, तो ऐड कर दें इसमें नेट प्रॉफिट। ड्राइंग करके इसमें से कितना पैसा घर ले गए, क्लोजिंग बैलेंस क्या बन रहा है कैपिटल का, ₹450,000 + ₹12,400 - ₹3,250, ₹459,150। उसके बाद आपके पास लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी सिर्फ कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज है, ऐसा ही है? एक ही लाइब्रेरी आपके पास, अब उसको एसएफ में ओसामा नहीं बोलेंगे, ओसामा जनरली इसका नाम क्या, अकाउंट पेएबल, तो उसको उसके जनरल नेम से पुकार, ठीक है, अकाउंट पेएबल। कितना अकाउंट पेबल, 25,500। तब क्या करें बेटा, आप 459,150 में 25,500 ऐड कर दें, 484,650। आप मुझे बताइए क्या मसला है यार इसके अंदर, कोई मसला हो, सिर्फ फॉर्मेट का मसला है ना, फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी अभी आंसर इंपॉर्टेंट था, फॉर्मेट तो हम वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप कैसे भी करके ये आंसर ले आए हैं फिल वक्त, तो इट मींस दैट आपको कॉन्सेप्ट पहुंच गया, आपका कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया, क्योंकि आपने उस अब ये आंसर वही है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आ रहा था। ठीक है, तो क्या आया आंसर ये वाला आपके पास, कितने लोगों के पास ये आंसर आया, तो मतलब हमने जो प्रोसीजर शुरू किया उसमें अगर हम किसी पॉइंट पे रुकते हैं तो हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को देखकर हम अपने आंसर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये आपके सामने बेटा, बताइए, तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि मुश्किल बात हो, जब एक से ज्यादा अकाउंट पेबल हो तो सबका सम करके उसको एक ही नाम से लिखें, अकाउंट पेबल के नाम से। वैसे बेटा ट्रायल बैलेंस में भी एक ही लिखा जाता है, सम करके, एग्रीगेट करके। अकाउंट पेबल इज अ कॉमन नेम, अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट पेबल हो तो ट्रायल बैलेंस में भी एक ही लिखे उसको,
सबका सम करके और उसको कॉमन नेम दे अकाउंट पेएबल के नाम से, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। वरना क्या होगा, अगर देखो टेक्निकली सोचो कि बिजनेस के कितने सप्लायर्स होंगे, कितने कस्टमर्स होंगे, हजारों कस्टमर्स होंगे, तो अब हजारों अकाउंट पेएबल एक बैलेंस शीट में थोड़ी आएंगे, उन तमाम अकाउंट पेएबल्स का सम आएगा एक साथ, या अकाउंट रिसीवेबल का सम आएगा, वरना बैलेंस शीट खत्म ही नहीं होगी आपकी। सोचें अगर आप सबको अलग अलग नाम से शो करना शुरू हो गए तो बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कलेक्टिव इनका बैलेंस चाहिए, लेकिन जनरल लेजर में इनका हमें इंडिविजुअल बैलेंस चाहिए, ताकि हर बंदे का हिसाब हमारे पास मेंटेन रहे कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। लेकिन जनरल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में और एसओएफपी में लिखते वक्त सिर्फ आप इनका कलेक्टिव बैलेंस यूज कीजिए, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से और अकाउंट पेएबल के नाम से। अलग अलग नेम्स जो हैं वो कहां यूज करें आप, जनरल लेजर, ताकि आपका स्पेस बच जाए, टाइम सेव हो जाए। ठीक है बेटा, अब बताइए कोई मसला हो तो बोलिए। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, तो अब तो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए ना। या अब भी नहीं होना चाहिए, कर लिया सबने। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, आपको करके बताया था सॉल्व। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया था? अच्छा गुड। अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बोले? असल में अब क्या है, मुझे आपको ये एंट्रीज जो ना एंट्रीज आपको बतानी है एक और तरीके से। इन्वेंट्री मैंने बताया था ना, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, तो अब हमें दूसरे तरीके में स्विच करना है इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के। तो हम यही क्वेश्चन दोबारा करेंगे एक और अंदाज से, बिल्कुल पीरियोडिक। शजाम में क्या नेट लॉस है? हाँ भाई, कोई बताए शजाम में लॉस आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में लॉस आ रहा है? कितना लॉस आ रहा है? 25,000 का लॉस आ रहा है? पक्का कंफर्म? ओके चलें देख लेंगे, फिक्र ना करें, बाकी लोग जिद्दोजहद करें। अगर सब सब कर लेंगे तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो कुछ लिखना हो तो लिख लें इसमें से, फिर मैं देखता हूँ अगर बाकी अगले पेज पे आ जाऊं मैं और जो क्वेश्चन मुझे मिल जाए सॉल्व हुआ तो मैं डायरेक्ट बगैर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दोबारा प्रोड्यूस करने में भी टाइम निकल लग जाता है ना, तो मैं देख लेता हूँ अगर अगले पेज पे मुझे वो ट्रायल बैलेंस दोबारा मिल जाता है बनाया हुआ। लेक्चर की डेट मुझे याद नहीं, अगर आपको डेट याद हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि वो लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 6 वाला कब सॉल्व किया था ट्रायल बैलेंस की शक्ल। तो मुझे क्विक जल्दी मिल जाएगा 7 मई को, पक्का कंफर्म? चलो फिर तो मिल जाएगा। सर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था? अरे पक्का ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था? क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया? अमान बताएगा? अच्छा आप लोगों ने, लेकिन मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग तो कर दी थी ना, उसकी लेजर पोस्टिंग तो कर दी थी ना मैंने। चले ठीक है, एक काम करते हैं आज थोड़ा सा एक कुछ कुछ पॉइंट्स नए सीखते हैं यहाँ पर, आज न्यू पॉइंट्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। इस काम को यहाँ पे थोड़ी देर रोकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा, फिर मैं कल की क्लास में इसको दोबारा पूछूंगा आपसे, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं करवाऊंगा आपको ऑब्वियसली, जिस तरह मैं करवाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसका ट्रायल बैलेंस भी हम प्रोड्यूस कर लेंगे और दोबारा देख लेंगे इसको। तो यहाँ से आज कोई नई बात शुरू करते हैं, ठीक है जी। 5 करवा दो, 5 यार 3 करवा दिया, 5 वेरीफाई करवा दो।
अच्छा बेटा, 5 का ट्रायल बैलेंस बताओ। कल छुट्टी है, अच्छा बेटा कोई मसला नहीं, कल छुट्टी है, क्लास भी हो सकती है, क्या मसला, अनाउंस कर देंगे क्लास तो क्लास हो जाएगी, घर पे तो बैठे हैं, छुट्टी तो चल रही है अभी, अभी तो, अभी भी तो छुट्टी चल रही है, और क्या चल रहा है, आप छुट्टियों पे तो समर वेकेशंस का काम मुकम्मल कर रहे हो मेरे ख्याल से, आप, आपको स्कूल का काम मिलता था ना बेटा जो आप कभी नहीं करते थे, क्या ख्याल है, वो स्कूल का छुट्टियों का काम ठीक है, जिसके लिए बोलते थे कॉपी गुम हो गई है, अच्छा बेटा नहीं, जिसके लिए बोलते दूसरा रजिस्टर, वो काम कहाँ पर है, वो दूसरे रजिस्टर के अंदर है, तो ये दूसरा रजिस्टर का भी जिसके जिसका कोई वजूद ही नहीं है मेरे ख्याल से, बेटी मेरी बड़ी हसरत रह गई इस दूसरे रजिस्टर से मिलने की, ये कभी आज तक मिला ही नहीं है, हसरत रह गई इससे मिलने की, अच्छा वो घर पे ही रहता है मेरे ख्याल से, घर से बाहर नहीं निकलता, क्वारंटाइन हुआ हुआ है, अच्छा जी ओके ओके बेटा, ये तो मैं याद है बेटा हाफिज राहिल बेटा के, वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी डेट पे हुआ था ट्रायल बैलेंस का, क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रायल बैलेंस मैंने किस डेट पे किया था बताइए, बताना जरा बेटा, अगर कोई स्टूडेंट रजिस्टर पे डेट डालता हो तो बता सकता है वो, सिक्स मई को हुआ था, चलें सिक्स में चेक करते हैं बेटा, तो उम्मीद है वैसे आप सबने यहाँ पर क्या कहते हैं कर लिया होगा इसको, राहिल कहते हैं सिक्स में, हाँ भाई राहिल तो सही कह रहे हैं, एरएम को यही है, अच्छा ये मैंने जो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस किया था ऐसे ही है ना, अच्छा अच्छा ओके कोई मसला नहीं, ओके देख लेते हैं बेटा इसको, शाजाम वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था, ओके जनाब तो एक क्वेश्चन अब आपके सामने है, शुरू कर दें इसका जरा बताइए, तो स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ क्या है, मैस्टर्स एरएम को ट्रायल बैलेंस, कैश का बैलेंस है, कैश एसेट है, कैपिटल इक्विटी है, फर्नीचर एसेट है,
इन्वेंट्री एसेट है, सेल्स रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस है, यूसुफ ब्रदर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, जहीर एंड कंपनी अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, सेल्स रिटर्न है 1500 का, बशीर हमारे पास बतौर अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, ठीक है जी। तो हमारे पास अब यानी यूसुफ ब्रदर्स की लायबिलिटी और बशीर दोनों मिलके लायबिलिटी मौजूद है, तो हम दोनों को इकट्ठा करके ऐड कर देंगे, वहां पर शो कर देंगे। बैंक बैलेंस 12,000 है, ड्रॉइंग 16,000 की है, सैलरी 23,000 की है, फ्यूल एक्सपेंस 2,150 का और रेंट इनकम है 2,000 की, तो कोई इशू नहीं, स्टार्ट करते हैं। और अब मैं बार बार इंडिकेट नहीं करूंगा कि क्या रेवेन्यू और क्या एक्सपेंस है, जुद्दोजहद थोड़ी करनी है आपने, कोशिश करनी है कि आप खुद पहचान पाए। स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्या मसला है, ठीक है जी। मैस्टर्स एरएम को ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड, नॉर्मली ईयर एंड होता है, सबसे पहले बताइए सेल्स, क्विक जल्दी से सेल्स, लेकिन सेल्स लिखते ही आपको सोचना है क्या कोई सेल रिटर्न है, यस सेल रिटर्न भी है, 70,000 की सेल है, 1500 की सेल रिटर्न है, तो नेट सेल्स कितनी हुई, क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 38,056, क्या मिल जाएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30,444। ग्रॉस प्रॉफिट आते ही आपको अगली बात जो सोचनी है, क्या कोई अदर इनकम है, क्या कोई रेंट इनकम है, क्या कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्या कोई इंटरेस्ट इनकम है, क्या कोई कमीशन इनकम है, बताइए कोई अदर इनकम है, यस अदर इनकम है, रेंट इनकम सबसे आखिरी आइटम, ये रहा, तो ऐड कर दें क्या इसमें आप, रेंट इनकम कितने से, 2000 से, ठीक है, कितना हो गया सम, 32,444। अब क्या करना है, लेस करने हैं एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस के लिए आप क्या करें, ट्रायल बैलेंस रीड करना शुरू करते हैं, कैश कैपिटल फर्नीचर इन्वेंटरी सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है लेकिन हम उसको चार्ज कर चुके हैं, यूसुफ ब्रदर लायबिलिटी है, ज़ाहिरन कंपनी अकाउंट रिसीवेबल है, सेल्स रिटर्न बशीर बैंक ड्राइंग, तो सर इसमें दो ही एक्सपेंस हैं, सैलरीज एंड फ्यूल एक्सपेंस, ऐसा ही है ना, सैलरी एक्सपेंस कितना, सैलरी एक्सपेंस है 23,000,
और फ्यूल एक्सपेंस कितना है। दो हजार एक सौ पचास। सम कर दो 25,150, 25,150 एक्सपेंस का सम है, और आप टोटल क्या कर दो, माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा आप। कितना? 7,294, 7,294, ऐसा ही है। तो बताइए आप में से कितने लोगों का ये नेट प्रॉफिट आया है। जबरदस्त बेटा, बेहतरीन, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब वही अकाउंटिंग क्वेश्चन बना देनी है, और उसको क्या नाम देना है आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी जनाब, तो SOFP बन जाएगी आपकी, तो SOFP प्रोड्यूस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। इन शॉर्ट जरा जल्दी कर लूँ, हेडिंग्स वगैरह आप लगा लीजिएगा। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट में क्विक, सबसे पहले क्या है, हमारे पास फर्नीचर है, हेडिंग तो आप लगा लेंगे ना बेटा, ये सारे काम तो कर लेंगे, और इसके अलावा कोई और एसेट हमारे पास नहीं है नॉन करंट में, और उसके बाद बारी आएगी किस किस की करंट एसेट्स। तो बताइए करंट एसेट में इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है हमारे पास, एटी थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर। फिर अकाउंट रिसीवेबल आएगा ज़हीर एंड कंपनी, कितने से, 7,500। फिर बैंक बैलेंस आएगा बिजनेस का 12,000 से। कैश इन हैंड है कोई? अच्छा, फिर कैश आएगा 244,850। कितना? 345,094। टोटल एसेट्स 380,094। ठीक है,
और अगर आपके पास पेज खत्म हो गया हो, फॉर एग्जाम्पल कॉपी का आपका, तो आप उसको अगले पेज पे शो कर सकते हैं रिमेनिंग पोर्शन को। एक ये भी तरीका आप सीख लें कि फर्ज कर लें कि आप उसको नीचे नहीं बनाना चाह रहे, आप इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे दिखाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आप नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे तो आपको बैलेंस शीट की या एसओपी की दोबारा हेडिंग लगानी पड़ेगी। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहे हैं एक पेज पर और राइट हैंड साइड दिखा रहे हैं एक पेज पर, इस तरह भी मुमकिन है। और रजिस्टर में अगर आपके पास पेज है, स्पेस है, तो कोई इशू नहीं है, आप कंप्लीट दिखा दें कहां पर, एक तरफ, मतलब एक ही उसमें रिपोर्ट फॉर्म में शो कर दें। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल कितना है? कैपिटल तीन लाख पचास। प्रॉफिट कितने से कम आया? सेवन थाउजेंड टू नाइनटी। ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल 350,000 प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। तो प्रॉफिट कम है और ड्रॉइंग ज्यादा है, कमाया कम है और घर पे ज्यादा लेके चले गए, तो इसका नतीजा ये निकला कि कैपिटल ग्रो होने के बजाय क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। थ्री फोर्टी वन थाउजेंड टू नाइनटी फोर। ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज, मैं सिर्फ आपके पास क्या करंट लाइबिलिटीज, और अकाउंट पेबल लिखे, और दो अकाउंट पेबल है ना आपके पास, एक कितना है, एक है यूसुफ ब्रदर्स 11,800, ब्रैकेट लगा लें, प्लस कर दें क्या बशीर को 27,000। टोटल अकाउंट पेबल जो है वो कितना है आपके पास, टोटल 38,800। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर बिल्कुल ऐसे आमने सामने बनाए तो इक्वल टू का साइन भी क्या करें, बिल्कुल अपोजिट रखें, ताकि दोनों तरफ हमें चीजें बैलेंस दिखे। ठीक है जी। तो बताइए जरा क्या आंसर बना, टोटल सम कितना आया, वो आया 380,090। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। अब ये इक्विटी, अगर आपके पास पेज पे स्पेस हो तो इक्विटी और लाइबिलिटी वाला पूरा पोर्शन आप एसेट्स के नीचे प्लेस कर दें, और अगर स्पेस नहीं है तो फिर आप अगले पेज पे रख दें, कोई इशू नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर या आपके मार्क्स पर। तो मैं साथ साथ बेटा आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा रहा हूँ, इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि एग्जाम में चीजें किस तरह प्रेजेंट की जाएंगी। तो चले, दो क्वेश्चन वेरीफाई हो गए, अब क्या बचा, क्वेश्चन सिक्स बचा ना बेटा सिर्फ, तो सिक्स हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कोशिश करें, अब मेरे ख्याल से अब आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा बेटा, अच्छी बात, लेकिन वेरीफाई फिर भी करवाना पड़ेगा मुझे। तो अगर अगली क्लास में हम क्वेश्चन सिक्स कर लेते हैं तो फिर हम साथ साथ एक नया काम भी शुरू करेंगे, वो इन्वेंटरी की रिकॉर्डिंग सीखेंगे अलग तरीके से, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मेथड। हाँ बेटा, होने, उम्मीद करता हूँ कि मसले मसाइल हल हुए होंगे। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं कंप्लीटली, गुड। ठीक है जी, तो इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, बाकी डिस्कशन हम कल अगली क्लास में करेंगे, और अभी दूसरा हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।